एक प्रश्न आया है, भगवान राम विष्णु के अवतारी नहीं हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। यदि आप रामचरित मानस पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी अथवा तो शिव, ये भगवान के एक रोएं से उत्पन्न होते हैं। जासु अंसते उपजहि नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवाना। जिसके अंश से ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव प्रकट होते हैं, वो ब्रह्म। तो भगवान राम जो है वो साक्षात ब्रह्म है, वही धरती पर मानव रूप लेकर के अवतरित हुए थे। इसलिए ब्रह्म की पूजा में कोई मनाही नहीं है, हम सभी कर सकते हैं। इसी तरह भगवान कृष्ण के विषय में कहा गया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्रीमद् भागवत का प्रमाण है, क्योंकि हम लोग शास्त्र को ही प्रमाण मान सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ही साक्षात ईश्वर हैं, इसलिए आप इन दोनों की पूजा कर सकते हैं। कथा के माध्यम से जो झांकियों का दर्शन होता है, देखिए कई तरह के श्रोता होते हैं। मेरी मान्यता ये है, वैसे मैं झांकी बहुत ज़्यादा कथा के बीच में नहीं रखता हूँ, जो मेरे श्रोता हैं उनको मालूम होगा, कभी भक्तों की इच्छा होती है तो झांकियाँ लेकर के चले आते हैं। लेकिन इसको मैं मना भी नहीं करता हूँ, सबकी अपनी अपनी भावना है, सबके अपने अपने विचार हैं। कई श्रोता ऐसे होते हैं जिनको केवल कथा से ही लेना देना होता है, भजन आता है तो उनका मन नहीं लगता है। कई श्रोता ऐसे होते हैं कि जिनका सिर्फ और सिर्फ मन भजन और कीर्तन में लगता है, और कई श्रोता ऐसे भी होते हैं जिनको श्रवण में मन नहीं लगता है, दर्शन में मन लगता है। तो मेरी तो मान्यता यह है कि जो जिस प्रकार का श्रोता हो उसको उसी प्रकार से बांध कर रखना चाहिए। यदि आपको देखने में अच्छा लगता है तो भगवान की लीलाओं का दर्शन करिए, यदि आपको भजन संगीत में मन लगता है तो श्रवण के माध्यम से, संगीत के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करिए, और यदि आपको कथा श्रवण करने में मन लगता है तो श्रवण करके करिए।